तो नमस्कार साथियों, स्पोर्ट्स क्लब में मैं पलाश बोल रहा हूँ। एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सभी। आज हम फिर से आपसे जुड़ गए हैं इसलिए जो सुपरस्टार से सजी वो टीम, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या है उस टीम की स्ट्रेंथ, क्या है उसकी कमजोरी, ताकत और उन टीम का क्या स्क्वाड है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी को बताना चाहूँगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके शेयर परसेंटेज पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो हम बात करने वाले हैं आज के एपिसोड में पंजाब किंग्स की बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त टीम। इस साल नए जर्सी में और नए चेहरे में और नए सुपरस्टार के साथ उतरने वाली है। थोड़े कुछ बदलाव किए हैं और टीम ने नाम भी चेंज किया है। इनका नाम किंग्स इलेवन पंजाब हुआ करता था पहले, पिछले साल अगर देखा जाए तो। पिछले साल के मुकाबले इस साल कुछ अलग है इस टीम में, कुछ अलग खास है इस टीम में। क्या है खास वो हम जान लेते हैं इस एपिसोड में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने कुछ बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल किया है। मोसेस ऑनरिक्स और फैवद आलम और उसके बाद इन्होंने शामिल किया है अपने टीम में। दीपक हुडा तो पहले से ही मौजूद है। डेविड मलान जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज को इन्होंने अपने टीम में शामिल किया है। उसके बाद इन्होंने अपने टीम में कई ऐसे बड़े बड़े मुजीद जैसे बड़े खिलाड़ी को इन्होंने रिलीज़ कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्रिस गेल को अपने टीम में ही रखा और क्रिस गेल के साथ इस बार ओपनिंग करने जाएंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब वो टीम मैनेजमेंट पर होगा डिफेंड कि क्या क्रिस गेल ओपन करेंगे, ये भी टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। शाहरुख खान नाम के एक युवा खिलाड़ी है, उनको इन्होंने इस बार अपने टीम में शामिल किया है। और देखा जाए तो क्रिस जॉर्डन इनके पास है ऑलरेडी, फेवर आलन और मॉरे एंड्रिक्स और उसके बाद इनके पास क्रिस गेल, ऐसे डेविड मलान, विदेशी खिलाड़ी अच्छे हैं इनके पास, निकोलस पुरन। तो वेस्ट इंडीज ताकत भी है इनके पास, ऑस्ट्रेलियन ताकत भी है और इनके पास इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन जैसे गेंदबाज भी है। तो देख लेते हैं इनका पहला मैच होने वाला है वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाला है सोमवार को। और दूसरा जब आखिरी अंतिम मैच देखा जाए तो वो भी राजस्थान के खिलाफ ही है, अंतिम मैच और शुरुआती मैच भी राजस्थान के साथ ही। तो मतलब राजस्थान के लिए इनको कुछ रणनीति बनाना होगा, रन बनाएंगे तभी कहीं आगे जा पाएंगे। तो अब ये देखना होगा कि क्या रणनीति के साथ उतर सकती है टीम पंजाब किंग्स। क्रिकेट जगत में जब से इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुई है तो आकाश चोपड़ा काफ़ी चर्चे में हैं, पूर्व ओपनर और क्रिकेट कमेंटेटर आकाश चोपड़ा काफ़ी चर्चे में है। और उन्होंने इसी चर्चे में उन्होंने एक टीम बनाई है पंजाब किंग्स की, जिसमें उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 बताई है। आकाश चोपड़ा की प्लेइंग 11 सबसे पहले जान लेते हैं और जाते जाते जब जाएंगे हम पहले तो कुछ बातें करेंगे इस टीम के बारे में और जाते जाते हम भी अपनी प्लेइंग 11 बताएंगे और जान लेते आकाश चोपड़ा की क्या कौन सी है प्लेइंग 11। उन्होंने अपने टीम में क्रिस गेल और केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, निकोलस पुरन और मॉजिस हेंड्रिक्स और नंबर 6 पे दीपक हुडा, नंबर 7 पर सरफराज खान को इन्होंने रखा है। और गेंदबाजी में अगर देखा जाए मुर्गुन अश्विन और इन्होंने रवि विश्नोई, क्रिस जॉर्डन और इन्होंने मोहम्मद शमी को रखा है। तो क्रिस जॉर्डन, मॉजिस हेंड्रिक्स, क्रिस गेल और निकोलस पुरन,
तो ये चार विदेशी खिलाड़ी हैं, डेविड मलान के साथ नहीं गए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा डेविड मलान भी रहे। तो चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं इस टीम के बारे में। तो इस टीम में इनकी खास ताकत अगर देखा जाए इस टीम की, तो इनकी टीम की ताकत है बल्लेबाजी। बल्लेबाजी इनकी खास ताकत है, क्योंकि इनके पास वेस्ट इंडियंस पावर भी मौजूद है। माइक अग्रवाल, क्रिस गेल और निकोलस पुरन ये वेस्ट इंडियंस पावर है। भारतीय पावर देखा जाए तो केएल राहुल, माइक अग्रवाल और इनके पास दीपक हुडा, मनदीप सिंह और इनके पास सरफराज खान जैसे बहुत बढ़िया हिटर्स है मौजूद। तो ये भी इनको ध्यान में रखना होगा। मनदीप सिंह भी है, ओपनर की तो कोई कमी नहीं है, ओपनर में तीन चार इनके पास ओपनर मौजूद है ओपनर्स। तो बल्लेबाजी में इनके पास ताकत है, गहराई है, लेकिन आपको चाहिए गेंदबाजी स्ट्रेंथ। गेंदबाजी में रवि विश्नोई और मॉर्गन अश्विनी हैं, लेकिन कृष्णप्पा गौतम हुआ करते थे, उनको भी इन्होंने रिलीज़ कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि जिस पर इन्होंने दाव खेलना चाहिए था उन पर उन्होंने दाव नहीं खेला, कुछ अलग ही रणनीति के साथ उतरे। लेकिन चाहेंगे कि इस बार अच्छा प्रदर्शन करें नए सुपरस्टार के साथ, लेकिन देखना होगा। गेंदबाजी में काफ़ी इनकी कमज़ोरी रहेगी इस साल, गेंदबाजी में काफ़ी मुश्किल जाने वाली है। हालांकि क्रिस जॉर्डन भी कभी कभी महंगे साबित होते हैं, इकोनॉमी ज़्यादा रहती है क्रिस जॉर्डन की गेंदबाजी की देखा जाए तो। पूरा अगर डिफेंड होना है तो इनको मोहम्मद शमी के ऊपर ही डिफेंड है। कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है भारतीय मोहम्मद शमी के अलावा कि ज़्यादा उन्हें अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, अच्छा खासा टेस्ट करते हैं, अच्छा खासा बाउंसर करवाते हो, वेरिएशन हो उनके पास। ऐसे मोहम्मद शमी को छोड़ के कोई नहीं है। फॉरेन में भी देखें तो फॉरेन गेंदबाज में भी कोई खास दम नहीं दिखता। और तो इनकी स्ट्रेंथ है खास बल्लेबाजी। तो बल्लेबाजी में ही आपको टॉस जब भी जीतते हैं तो बल्लेबाजी इनको करना होगा, बल्लेबाजी में बड़े रन लगाने होंगे बोर्ड पर। और मॉर्गन हेंड्रिक्स जैसे जो ऑलराउंडर है उन्हें इनको हर मैच खिलाना होगा, क्योंकि इनको इन पर भी डिफेंड रहेगी पूरी टीम। क्योंकि बल्लेबाजी भी देते हैं, गेंदबाजी भी देते हैं, तो चार ओवर भी निकाल दे सकते हैं आपको तेज़ गेंदबाजी में अगर कभी ज़रूरत पड़े तो। तो मुझे लगता है हेंड्रिक्स को भी खिलाना बहुत ज़रूरी होगा। और क्रिस गेल की बात कर लेते। क्रिस गेल हालांकि ज़्यादा उम्र हो चुकी है, लेकिन फिर भी अच्छे फॉर्म में रहते हैं। इस बार भी काफ़ी अच्छे टच में दिखाई देते हैं हर मैच में। तो क्रिस गेल के साथ मेरे ख्याल से ओपन ही करनी चाहिए, क्योंकि क्रिस गेल जो पावर प्ले का फ़ायदा उठा लेते हैं अगर, और बड़े बल्लेबाज है, अनुभव है उन्हें, अगर वो सेट भी हो जाते हैं। कई सालों से उन्होंने कुछ दो तीन साल पहले से उन्होंने कुछ रवैया बदल दिया है उन्होंने खेलने का। पहले ज़्यादा समय लेते हैं और फिर बाद में खेलते हैं। पहले हुआ करता था कि शुरुआत से ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते थे, लेकिन अब उन्होंने रवैया बदल दिया। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई उन्होंने रवैया भी बदल दिया। अब वो समय लेते हैं, सेट हो जाते हैं, फिर अपसेट करते हैं गेंदबाज को। तो अगर क्रिस गेल चले तो गेंदबाजों की चलती रहेगी रेल, क्योंकि गेंदबाज हो जाएंगे फेल उनके सामने। क्योंकि क्रिस गेल बड़े हल्के से बड़े ढीले हाथ से खेलकर भी वो बाउंड्री को आसानी से पार कर लेते हैं। बाउंड्री को गेंद को बाउंड्री के पार आसानी से भिजा देते हैं, स्टैंड्स में भिजा देते हैं, दूर दूर तक गेंद उनकी चले जाती है बल्ले से निकलती है। तो ये क्रिस गेल के खिलाफ अगर आपको गेंदबाजी करना है तो ध्यान में रखना होगा, बहुत सोच समझ के आपको ये करना होगा। और डेविड मलान स्पिन के खिलाफ काफ़ी फंसते हैं, है अच्छे बल्लेबाज, मैं मानता हूँ अच्छे बल्लेबाज, लेकिन स्पिन के खिलाफ खेलते हुए इनको ध्यान में रखना होगा डेविड मलान को। और मेरे ख्याल से डेविड मलान टीम में होने चाहिए, लेकिन कहाँ, चार विदेशी तो आपके ये पक्के होते हैं, तो आप कहाँ रखेंगे डेविड मलान को, ये भी एक सवाल रहेगा। निकोलस पुरन वेस्ट इंडियंस पावर को तो आप दूर नहीं रख सकते, तो अब सवाल ये उठता है कि डेविड मलान को खिलाया कहाँ जाए, ये भी एक सवाल रहेगा। तो ये है पंजाब की पूरी स्क्वाड। फेवर एलन भी है इनके पास,
अच्छे ऑलराउंडर्स और वेस्ट इंडीज के, तो शाहरुख खान है इनके पास। तो पंजाब किंग्स की पूरी टीम और प्रीति झिंटा भी काफ़ी खुश थी शाहरुख खान को इन्होंने खरीदा, तो प्रीति झिंटा इतनी खुश हो गए कि भाई जैसे कोई इन्हें लगा ओरिजिनल खिलाड़ी इनके, मतलब ओरिजिनल शाहरुख खान तो नहीं आ गए इनके टीम में, ओरिजिनल हीरो तो नहीं आ गए इनके टीम में, तो ऐसे खुश हो गए थे। इन्हें तो शाहरुख खान का फॉर्म पता भी नहीं था, शाहरुख खान किस लेवल के बल्लेबाज है, किस लेवल के गेंदबाज है ये भी नहीं पता था, लेकिन शाहरुख खान को इन्होंने शामिल किया। ऑलराउंडर है, अच्छे खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी, अब मेहनत करके इन्हें खरीदा है तो मौका भी देना चाहिए। तो चलिए फटाफट से हमारे प्लेइंग 11 बता देते हैं आपको, क्योंकि हमारे प्लेइंग 11 भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे आप हमारे प्लेइंग 11 भी देखने के लिए। तो हमारे प्लेइंग 11 में पहले देखे तो क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल, तो नहीं, क्रिस गेल के साथ और केएल राहुल के साथ ओपन करूँगा, उसके बाद मयंक अग्रवाल नंबर 3 पर हो गए मेरे चॉइस, और भाई दूसरी तीसरे नंबर चौथे नंबर पर अगर देखा जाए तो निकोलस पुरन, नंबर 5 पर मोशेस हेंड्रिक्स, नंबर 6 पर दीपक हुडा, नंबर 7 पर सरफराज खान, नंबर 7 पर अगर देखा जाए तो मुर्गन अश्विन, रवि विष्णु के साथ जाऊंगा मैं, मुर्गन अश्विन को पहले नहीं लेना होगा, एक स्पिनर और आपको एक और एक्स्ट्रा स्पिन के लिए आपको दीपक हुडा ऑप्शन देंगे। उसके बाद 3 तेज गेंदबाज के साथ जाऊंगा, क्रिस जॉर्डन, ईशान पोरेन, बहुत अच्छे खिलाड़ी, अंडर 19 स्टार है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था अंडर 19 वर्ल्ड कप जब हुआ था, पृथ्वी शॉ की कप्तानी में ये खेले थे ईशान पोरेन, तो मुझे लगता है ईशान पोरेन को खिलाना चाहिए, पिछले साल भी बेंच पर बैठा कर रखा उन्हें, जो कि युवा खड़ी ने पहले में अच्छा प्रदर्शन किया है, कार्तिक त्यागी हो, चाहे वो फिर शिवम माबे, चाहे वो शुभमन गिल, चाहे वो रिंकू सिंह, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा, और वो फिर रियान पराग क्यों ना हो, और ईशान किशन हो, कोई भी अंडर 19 खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते आया है, तो मुझे लगता है इस बार ईशान पोरेन को खिला कर देखिए ज़रूर। और तो मेरे ख्याल से मोहम्मद शमी, ईशान पोरेन और क्रिस जॉर्डन, ये 3 फर्स्ट चॉइस मेरे 3 गेंदबाज में। तो देखना होगा केएल राहुल वाली कप्तानी की पंजाब किंग्स किस तरह से इस बार खेलती है, किस तरह से राजस्थान रॉयल्स को परास्त करती है पहले मैच में, तो ये देखना होगा। सोमवार को ही आप इसका रिजल्ट आएगा, रात को 11 बजे तक इंतज़ार कीजिए आप, 11:15 बजे तक आपको रिजल्ट आ ही जाएगा कि कौन सी टीम फाइट मारेगी। पंजाब किंग्स चाहेंगे हम पहला मैच जीते और अपना मनोबल ऊपर बढ़ा लीजिए, मनोबल बहुत ऊँचे लेवल पर चल रहेगा, अगर मनोबल बढ़ जाएगा तो आप आगे अच्छा खेल पाएंगे, तो देखना होगा। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।